नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उसी के साथ किसानों को, स्टूडेंट्स को, बूढ़े बुजुर्गों को भी बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर दी है। अब महिला पंजाब सरकार की सरकारी बस में कहीं भी जाए, उसे कोई भी किराया नहीं देना पड़ेगा। पंजाब विधानसभा में पास होने वाले इस प्रस्ताव से महिलाओं में खुशी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के लिए बस यात्रा पूरी तरह से फ्री कर दी गई है। सोमवार को पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने 2021-22 के लिए राज्य का 1,68,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पंजाब सरकार 2021-22 के राज्य के इस बजट में 1.13 लाख किसानों का 1,186 करोड़ रुपए और भूमिहीन किसानों का, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनका 526 करोड़ रुपए का कृषि ऋण यानी लोन माफ़ करने का ऐलान भी कर चुकी है। आपको बता दें कि मनप्रीत सिंह बादल ने बुज़ुर्ग जो पेंशन लेते हैं उनकी पेंशन 750 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दी है। शगुन योजना के तहत अनुदान राशि 51,000 रुपये कर दी है। वहीं आशीर्वाद स्कीम को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने अपने बजट में सरकारी कर्मचारियों का भी ख्याल रखा है और उन्हें भी बड़े तोहफे दिए हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकारी कर्मचारियों का छठा वेतन आयोग 1 जुलाई 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम पंजाब में बनाया जाएगा। ये म्यूजियम कपूरथला जिले में 27 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा। सरकार ने इस म्यूजियम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी जारी किया है। आपको दोस्तों बता दें कि पंजाब सरकार की ओर से गरीबों को दी जाने वाली पेंशन भी 1 जुलाई 2021 से दोगुनी हो जाएगी। पहले ये पेंशन 750 रुपये प्रति महीना थी, जो अब 1,500 रुपये प्रति महीना कर दी जाएगी। वहीं मलेरकोटला में छात्राओं के लिए 11,861 करोड़ रुपये से नेहा कॉलेज बनेगा। पंजाब सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए 3,882 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष के लिए 150 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने शिरोमणि पुरस्कार की 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये राशि कर दी है। वहीं पंजाब साहित्य रत्न पुरस्कार की रकम भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। तो दोस्तों, पंजाब सरकार ने अपने बजट में गीतकार से लेकर स्टूडेंट तक, स्टूडेंट से लेकर छात्र तक, छात्र से लेकर महिलाओं तक, महिलाओं से लेकर विवाह जिनका होता है गरीब लड़कियों का, उनसे लेकर बुजुर्गों तक, हर किसी के लिए एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। लेकिन इस बजट में जो बोला गया है, जो सपने दिखाए गए हैं, क्या वो पूरे होंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि आने वाले समय में पंजाब के अंदर चुनाव है और चुनाव से पहले बजट में इस बार थोड़ा तनाव है। तो देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।